नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए फिर एक और मैं शानदार जो आज वीडियो लेके आया हूँ। और आज के वीडियो में भी हम घर पे पड़े देखे बेकार जो कबाड़ जो वेस्ट मटेरियल है, उसी से हम जो प्यारे से प्लांटर यहाँ पे बनाने वाले हैं। और जो प्लांटर आप देखेंगे, देखिए चाहे स्मॉल स्मॉल वाला जो प्लांटर है वो बना सकते हैं, और बड़े वाला प्लांटर है वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक का जो कंटेनर है उससे आप प्यारे से इस तरह से प्लांटर बना पाएंगे। इसी टाइप की जो बोतल है उससे आप यूज कर पाएंगे। एज यूज आप जो है देख सकते हैं कि पेप्सी की जो बोतल वगैरह है उससे आप इस तरह से सुंदर से प्यारे से प्लांटर आप घर पे बना सकते हैं स्मॉल प्लांट के लिए। और देखिए जो वेस्ट मटेरियल है इस तरह से हमारा किसी काम में नहीं आता, हम जो है कबाड़ में देते हैं और कबाड़ वाला भी इसका कुछ पैसे नहीं देता। तो अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो देखिए गार्डनिंग के लिए मैं चार प्यार से अपने चार पैसे तरह से प्यार से प्लांटर्स आपके लिए लेके आता रहता। तो आप जो है प्यार से प्लांटर्स आप बना सकते हैं अपने गार्डन में डेकोरेशन के लिए, या फिर जो है होम डेकोरेशन के लिए आप इस तरह से प्लांटर बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के जो प्लांटर बनाने के लिए मेरे घर पे पड़े इस तरह से क्या की जो प्लास्टिक की बोतल देख सकते हैं, ये इसी का हम यहाँ पे यूज करके जो है प्यारा सा प्लांटर बनाने वाले हैं। और देखिए चाहे तो इसके यहाँ पे आप जो क्या 2 लीटर की जो पेप्सी की बोतल रहती है वो भी आप स्मॉल में ले सकते हैं। तो सेम आपको जो है काम आपको करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से क्या हुआ कि आप जो बैटरी में जो वाटर डालते हैं कैन लेके आते हैं 5 लीटर की वाटर की, वो भी तरह से जो बोतल आप यूज में ले सकते हैं। तो इसी के जो प्यारा सा प्लांटर हम बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है मैंने इस तरह से बोतल ली है, और यहाँ पे देखिए मैं कहूँगा कि आप सीजर की सहायता से या फिर है चाकू की सहायता से या फिर जो पेपर कटर की सहायता से बोतल को जो हम यहाँ पहले हाफ कट कर लेंगे। तो उसको देखिए यहाँ पे जो है पहले इस तरह से हाफ कट यहाँ पे कर लूंगा। और देखिए यहाँ पे जो बोतल है थोड़ी डस्ट इस पर लगी है, तो इसको जो हम पानी से वॉश भी यहाँ पे करके इसको जो है क्लीन यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बोतल थी हाफ मैंने यहाँ पे कट कर ली है। इस वाले नीचे हिस्से को हम यहाँ पे वॉश करके जो है क्लीन यहाँ पे कर लेंगे। और साथ ही इसमें नीचे जो 2 ड्रेनेज होल वो भी यहाँ पे बना लीजिए। और देखिए इस तरह से जो जो हमारा सेकंड यहाँ पे जो पार्ट यहाँ पे बचा है, तो देखिए उस पर भी यहाँ पे आप मार्कर से यहाँ पे थोड़ी सी ड्रॉइंग करेंगे और उसको भी इस तरह से हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो चलिए पहले दोनों है मैं यहाँ पे अच्छे से पहले पानी से वॉश यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों कंटेनर थे मैंने दो जो है वॉश यहाँ पे कर लिए हैं, और जो मैंने साफ कपड़े से इनको मैंने साफ भी यहाँ पे कर दिया है। तो देखिए जो हमारा कंटेनर था वो यहाँ पे अच्छे से क्लीन यहाँ पे हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हमें कुछ परमानेंट मार्कर से आपको जो है शेप यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने इस तरह का जो कंटेनर बचा था, तो यहाँ पे देखिए आपको शेप यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह की शेप यहाँ पे ड्रॉ की है, और हो सकता है कि आपको ढंग से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मार्कर मेरा यहाँ पे अच्छे से नहीं चल रहा है, मार्कर मेरा यहाँ पे सूख चुका है। तो देखिए आपको जो शेप है वो मैं यहाँ पे कट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए सीजर से हम यहाँ पे जो है शेप यहाँ पे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए जो शेप थी वो मैंने यहाँ पे कट कर ली है, और इसी शेप को जो हम दोबारा से जो है इसी कंटेनर के ऊपर रख के दोबारा से जो एक शेप हो रहा है वो भी हम यहाँ पे ऐसी सेम एक जैसी कट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह की शेप है वो आपको दोबारा से फिर से कट करनी है। तो देखिए इसके ऊपर हम दोबारा से इसको रखेंगे और जो एक शेप हो रहा है यहाँ पे कट कर लेंगे। तो चलिए हम जो है कोई शेप यहाँ पे कट कर लेते हैं सेम ऐसे ही। तो देखिए दो शेप थी जो हमारी यहाँ पे कट हो चुकी है। ये लीजिए तो दो शेप हमारी वो यहाँ पे कट हो गई है। और देखिए इसी बोतल का जो मैं कहूँगा जो ऊपर का ढक्कन था वो मैंने यहाँ पे लिया है कैप को। और देखिए अब जो है थोड़ा पेस्टिंग का काम यहाँ पे हम करेंगे। तो पहले जो कलर करने से पहले ये पेस्ट हम यहाँ पे कर लेंगे ताकि जो पेस्ट में है वो हमारे हाथ यहाँ पे खराब ना होंगे बार बार कलर में कलरिंग में, और जो हमारा ड्राई वो भी अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है मैंने ग्लू गन की सहायता से पहले इन दोनों को पेस्ट यहाँ पे कर लेंगे। और देखिए आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए तभी आपको समझ पाएंगे कि जो मैं यहाँ पे ड्राइंग मैंने की है, जो मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ वो क्या यहाँ पे बनने वाला है हमारा। तो इस पर जो है मैंने ग्लू गन लगाई है और इसी के ऊपर यहाँ पे हम इसको चिपका देंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से चिपका दिया है, और दूसरा भी जो है उसको भी हम इस तरह से यहाँ पे चिपका लेंगे।
तो देखिए, हमने पेस्टिंग वाला जो काम था वो भी हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो पेस्टिंग काम जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, और तो इस तरह से दोनों साइड की जो कटिंग थी वो मैंने इस तरह से चिपका दी है। और एक यहाँ फेस पे देखिए, यहाँ पे सामने इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब बारी आती है सर पेंट करने की। तो यहाँ पे देखिए, ऑयल पेंट का हम सारा यहाँ पे लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी जो है पेंट वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल पेंट यहाँ पे करूँगा। और सजेस्ट भी ये करूँगा कि आप ऑयल पेंट कीजिए, क्योंकि ऑयल पेंट जो है, आप अगर इसे आउटडोर भी रखते हैं तो आपको जो ऑयल पेंट है वो यहाँ पे ख़राब नहीं होगा। और जो आपके जो क्या प्लांट यहाँ पे बनाएंगे वो, उसमें भी आपकी शाइनिंग है वो अच्छे से आएगी। तो देखिए, इस तरह से पेस्टिंग का काम मेरा यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इसमें सिर्फ यहाँ पे है पेंट करने की, तो ऑयल पेंट यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे अपने ऑयल पेंट जो है वो ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मैंने अपना व्हाइट पेंट यहाँ पे ले लिया है, तो व्हाइट पेंट को जो हम यहाँ पे कलर करने वाले हैं। और व्हाइट पेंट देखिए, जो मेरा नीचे का बड़ा कंटेनर है उस पर जो हम व्हाइट कलर करेंगे, तो पूरे जो कंटेनर पे देखिए इस तरह से व्हाइट कलर हम कर लेंगे। और देखिए, इस तरह की वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज ऐसी वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिए, और तभी आप समझ पाएंगे कि इसको जो कैसे बनाना है। और आप इस तरह से ब्रांड वीडियो में इंटरेस्टेड रखते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए, क्योंकि इस तरह से वीडियो बनाने में क्या हो कि समय यहाँ पे बहुत लगता है और मेहनत यहाँ पे बहुत लगती है। तो इस तरह की वीडियोज़ को प्लीज़ आप इग्नोर ना कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी इस तरह से मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए इस तरह से नए नए आर्ट एक्टिविटी, नए नए प्लांटर आपके लिए हम आपके लिए इस तरह से सिखाते रहेंगे आपको बनाना। तो चलिए, पूरे से पहले व्हाइट पेंट है वो कंप्लीट यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो था व्हाइट कलर मेरा करके जो मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। और देखिए, इसके बाद जो है मैंने पिंक कलर का जो सिलेक्शन किया है, तो पिंक कलर में देखिए मैंने व्हाइट और जो है रेड कलर को मिक्स करके जो है पिंक कलर के मैंने यहाँ पे बनाया है ऑयल पेंट में। और इस पे देखिए जो है पिंक कलर यहाँ पे हम कर लेंगे। तो देखिए, इस साइड में हमने यहाँ पे जो कटिंग चिपकाई थी इस पे जो पिंक कलर यहाँ पे हम करेंगे। कुछ इस तरीके से देखिए, ऑयल पेंट में से सबसे जो प्रॉब्लम यही रहती है कि आपको इसमें जो वर्क है आप साथ साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसको जो है पेंट करने के बाद जो है थोड़ा ड्राई होने के बाद यहाँ रखना पड़ता है, ड्राई होने के लिए समय यहाँ पे देना पड़ता है। तो देखिए, पिंक कलर मैंने यहाँ पे कर दिया है। और जो दूसरी साइड है देखिए, उस पर भी हम इस तरह से पिंक कलर कर देंगे। तो देखिए, इस तरफ भी जो पिंक कलर मैंने कर दिया था। अब देखिए, जो हमने फ्रंट के तौर पे जो यहाँ पे हमने चिपकाई थी ढक्कन, उस पर भी हम यहाँ पे पिंक कलर कर देंगे। देखिए, दोनों हमारे इस तरह से फिनिश हो चुका है। और देखिए, फ्रंट पे भी हम इस तरह से पिंक कलर करने वाले हैं इसकी कैप पे। और इस तरह से करने के बाद जो है थोड़ा सा ड्राई होने के लिए आप यहाँ पे रख दीजिए, सूखने के लिए रख दीजिए। लेकिन मैं क्या है, आपको वीडियो ख़त्म करने के लिए साथ साथ जो है इस पर वर्क करके दिखाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे जो है मैंने ब्लैक कलर का सिलेक्शन किया है, और इस पर हम थोड़ी सी आर्ट एक्टिविटी यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह से मैंने स्मॉल ब्रश यहाँ पे लिया है पेंटिंग वाला, और इसी से यहाँ पे सुंदर सी इसकी जो है आई यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से देखिए, आप यहाँ पे किसी भी डिफरेंट टाइप की जो आई है वो यहाँ पे बना सकते हैं।
और मेरे व्यूवर्स यहाँ जैसे कि जानते ही हैं कि ड्राइंग मुझे जो है इतने अच्छे से नहीं आती है, लेकिन फिर भी देखिए मैं यहाँ पे आर्ट एक्टिविटी कुछ इस तरह से करता हूँ और अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं यही दिखाता हूँ कि अगर आपको नहीं ड्राइंग आती है तो भी आप यहाँ पे आसानी से इस तरीके से जो है सुंदर से आप ड्राइंग कर पाएंगे। देखिए साथ साथ जो है पेंटिंग करने में क्या ऑयल पेंट में यहाँ पे इस तरह से बड़ा ही परेशानी यहाँ पे फेस करनी पड़ती है, तो आप यहाँ पे अगर ड्राई होने वाला अगर करेंगे तो यहाँ पे अच्छे से बना पाएंगे। देखिए इसकी आई कुछ थी मैंने इस तरह से ड्रॉ यहाँ पे कर ली है और जो हमने कैप पे पिंक कलर किया था उस पर भी देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ड्राइंग कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी आर्ट एक्टिविटी थी वो भी यहाँ पे फिनिश हो गई है और देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा प्लांटर था वो भी यहाँ पे बनके रेडी हो गया है और देखने में जो प्लांटर हमें काफी खूबसूरत यहाँ पे बनाया, तो इस तरह से आप स्मॉल जो प्लांटर्स वो भी यहाँ पे आप बना सकते हैं और भी यहाँ पे सुंदर सुंदर जो हमें कहूँ कि आप यहाँ पे और भी इस तरह से ड्रॉइंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारा प्लांटर बनके यहाँ पे रेडी हुआ है और चलिए इस पर जो हम कहूँ आप आती है बारी हमारे प्लांट लगाने की। और देखिए यहाँ पे जो आप ड्रेनेज होल जो ध्यान से बना लीजिए क्योंकि ड्रेनेज होल मैंने इसमें बना दिए हैं। अब इसमें आते हैं प्लांट हम यहाँ पे लगाने की, तो चलिए इसमें आप पहले प्लेन जो गार्डन सॉइल है वो यहाँ पे फिक्स कर इसमें जो है फिल कर लेते हैं। तो प्लेन गार्डन सॉइल थी वो मैंने यहाँ पे ले ली है और वो इसमें हम लगाते हैं। तो प्लेन गार्डन सॉइल है वो भी मैं इसमें डाल ली है और बड़े आराम से ही डाली क्योंकि मैंने अभी इस पे जो पेंट है वो अभी तुरंत ही किया है, तो इस पे जो अगर मिट्टी गिरेगी तो जो सॉइल है वो यहाँ पे चिपक जाएगी। तो देखिए सॉइल मैंने इसमें फिक्स कर फिल कर ली है और फिल करने में क्या किया अब इसमें जो प्लांट है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं प्लांट यहाँ पे एक इसमें हम लगा लेते हैं, तो फूल वाला कोई प्लांट है वो आज हम लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्लांट में यहाँ पे ले आया हूँ और देखते हैं जो प्लांट है मेरा गुलदाउदी का है इसमें जो फ्लावरिंग है काफी यहाँ पे प्यारी से निकलने वाली है। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे जो बर्ड्स हैं ऊपर इसमें बने हैं इस तरीके से, तो फ्लावर्स इसके निकलेंगे। तो चलिए इस प्लांट को हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो इसकी जो मिट्टी है पहले वो थोड़ी मैं यहाँ पे लूज कर लेता हूँ, विंटर्स के लिए बहुत ही प्यारा प्लांट है फ्लावरिंग का। तो देखिए इसकी जो सॉइल थी वो मैंने का रूट बॉल था वो यहाँ पे ओपन कर लिया है और इसी को हम यहाँ पे लगा देंगे।
तो देखिए यहाँ पे जो प्लांट था वो मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो देखिए हमारा जो प्लांट था वो भी लग के रेडी है। अब बारी आती है इसमें, देखिए वाटरिंग की, तो इसमें जो है थोड़ा वाटर मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप देखिए जब भी कोई प्लांट शिफ्ट करते हैं तो इसमें वाटर आप जरूर से ऐड कर दीजिए। तो देखिए वाटरिंग भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो कम्प्लीटली जो हमारा प्लांटर था बन के यहाँ पे रेडी है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए आपको जो है इसको मैं थोड़ा नज़दीक से आपको यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जो हमारा प्लांटर बन के कैसे हमारे यहाँ पे रेडी है और कैसे दिख रहा है। तो देख सकते हैं जो किस तरह से हमारा प्लांट है, कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे पिक बनाया है, और पिक देखिए यहाँ पे कितना प्यारा बनाया है, देखने काफ़ी खूबसूरत लगा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि आपका रियल यहाँ पे बनाया है। तो देखिए इस तरह से आप, मैं कहूँगा घर पे प्यारे प्यारे से प्लांटर आप घर पे बना सकते हैं। देखिए वेस्ट मटेरियल था, बिल्कुल बेकार था, कबाड़ी वाला, इसको आपको जो है 2 रुपये में भी नहीं लेता वेस्ट में, आप इसको फेंकते। तो यहाँ से आप प्यारे प्यारे से देखिए इस तरह से सुंदर सा जो है प्लांटर आप बना पाए हैं और देखने काफ़ी प्यारे तरह से लग रहा है। तो आई होप आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आएगी, आपको मेरा आइडिया पसंद आएगा। प्लीज़ तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ।